What's up guys, welcome back to the video. So, आज के इस वीडियो में हम डिफीट करेंगे जपारी पैंथर को जो कि हमारा फाइनल बॉस है. एंड ये मेरा सबसे पहला वाला ट्राई है. जैसे कि मतलब इसके पहले मैं कभी भी इसको डिफीट नहीं किया, ना ही मैंने इसके एनिमेशंस देखे ये हो, बट मैंने दूसरे वीडियोस देखे, दूसरे जहाँ वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहाँ पर उन लोगों ने बताया था कि मैग्नीटो वाली प्री फाइट एबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड जैसे कि आप मेरे देख रहे हो कि मैं 4-स्टार मैग्नीटो एक्स लेके आया हूँ, वाइट मैग्नीटो, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई भी जो है मैग्नीटो नहीं है हायर वर्जन का, जैसे कि 5-स्टार और 6-स्टार. ये मैग्नीटो की प्री फाइट कौन सी है? ये प्री फाइट है पैसिव स्टन अप्लाई करने की, जो आप देख रहे हो यहाँ पर. एंड वो पैसिव स्टन मदद करता है काउंटर अटैक करने में क्लेंस एबिलिटी की, जो कि है जपारी पैंथर की यहाँ पर. क्योंकि क्लेंस एबिलिटी ऐसी है कि नॉर्मल कोई भी डैमेजिंग डीबफ या नॉन डैमेजिंग डीबफ है उसको वो प्यूरीफाई कर देता है. तो यूजुअली आप पैरी करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा, आप पैरी करने जाओगे वो काउंटर अटैक करेगी, हम लिटरली 2 सेकेंड में वो आप उसको मतलब वो आपको मार देगी. तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे एंड मैं सोच रहा था कि मैं ट्राई करूँ कि बिना प्रीफाइट के शायद हो पाएगा कि नहीं, फिर मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को रिसोर्सेज अपने बेकार में वेस्ट नहीं करने. सो ये मेरा सबसे पहला ट्राई था, पता नहीं कि फाइट कैसे जाएगी कैसे नहीं. जस्ट मैं ओमेगा रेड को लेके आया क्योंकि वो ब्लीड रेजिस्टेंस है 90% एंड प्लस जैसे अगर हमारे ऊपर जो ब्लीड आएगा तो हम उसको उसके ही डिसएडवांटेज में यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही ओमेगा रेड के ऊपर ब्लीड जाते हैं तो उसका डेथ फील्ड ऑरा जो है एक्टिवेट हो जाता है. एंड उसका स्पेशल वन लिटरली काफ़ी अनोइंग है, क्योंकि आप उसको जब स्पेशल इवेट करने जाओगे, SP1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आपके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं भाला फेंकती है एट दी एंड. मतलब वो जब भी आप भाला इवेट करोगे तो आप वापस जो है उसको काउंटर अटैक कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है. बट SP1 में ना वो हमारे ऊपर एक डीबफ लगाती है जिसका नाम है आई गेस एनशेयर करके कुछ डीबफ का नाम है. एंड वो डिबफ इतना लाइक क्या कहते हैं यूजलेस डिबफ है ना, यूजलेस इन द सेंस कि मतलब बहुत ही अनोइंग वाला. ये एनशेड करके कुछ है, वापस में नाम देख नहीं पाया. सो ये डिबफ क्या करता है, अगर वो जवारे पैंथर हंट वाले मोड में हो, एंड ये हंट वाला मोड आप कैसे देख सकते हो, जवारे पैंथर के लोगो पे मतलब प्रोफाइल पिक्चर के नीचे सबसे पहला जो अभी पर्पल कलर का फूल है, ये देखो अभी जो है पैसिव स्टार्ट हो गए, तो ये हंट वाले मोड में है जहाँ पर वो इम्यून हो जाती है. एंड उसका जो स्पेशल वन में जो एनशेयर वाला डीबफ है वो अप्लाई होने से क्या होता है, आपकी डेक्सटेरिटी जो है वो भी फेल हो जाएगी. मैं बोला यार मतलब अभी इवेड फेल तो ठीक समझे, ऑटो ब्लॉक जो है वो फेल हो जाए वो भी ठीक समझे, मतलब डेक्सटेरिटी ही फेल कर दिया है. मतलब यार ये थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है? मतलब आपकी एबिलिटी है, मतलब डेक्सटेरिटी ऑब्वियसली बनाए इसलिए कि आप जो है चैम्पियन की एबिलिटी के अलावा भी आप नॉर्मल डैश बैक करके इवेड कर सकते हो कोई भी प्रोजेक्ट डाल या फिर अटैक एंड ये वो, बट मतलब वो भी हटा दो तो यार ये थोड़ा कुछ ज़्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से. एंड वैसे भी ये जवारी पैंथर ना लिटरली पता नहीं इसके एनिमेशन मेरे को कुछ ज़्यादा ही फास्ट लग रहे हैं एंड ये रिकवरी भी कुछ ज़्यादा फास्ट कर रही है अभी. मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं बहाने बना रहा हूँ ये वो, बट लिटरली मेरे को जो फील हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ. ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कैसा लग रहा है, आपको बॉस फाइट जो है काफ़ी ईजी लग रही है ये वो. बट जैसे कि मेरा सबसे पहला एनकाउंटर था इसके साथ जवारी पैंथर के साथ, तो मैंने इसको जो है काफ़ी इजीली डिफीट कर दिया, बिकॉज पता नहीं क्यों लग काफ़ी अच्छा सा डिफीट हो गया, सोलो भी हो गया. एंड उसके बाद जो है मैं एक ही पाई पहला ही डिफीट हुआ, मैं सोचा कि यार मतलब ओमेगा रेड किल कर सकता है तो डेफिनेटली नेमोर भी किल कर पाएगा, क्योंकि अगर समहाउ मेरे ऊपर ब्लीड्स आते भी है तो मैं जैसे ही जपारी पैंथर को अटैक करूँगा वापस तो मैं जो है अपने ब्लीड्स उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा. एंड ये जस्ट मैं कट सीन रिकॉर्ड कर लिया था, मैं सोचा चलो वीडियो में रखते ही इसमें बुरा क्या है. एंड ये आई गेस ये कट सीन एक्चुअली एक्ट 7.2 के लिए थोड़ा बहुत क्लू है ऐसा कुछ तो लग रहा है मेरे को, क्योंकि एक्ट 7.1 में जैसे एंड हुआ था तो उसका कट सीन कुछ इसके रिलेटेड ही था. तो आई गेस एक्ट 7.2 में हमको मफिस्टो बॉस देखने को मिलेगा, कुछ तो देखने को मिलेगा. एंड आई गेस फाइनल एक्ट 7 जब ख़त्म होगा एक्ट 7.4 तो वहाँ पर हमको ये क्या कहते हैं ग्रैंड मास्टर की बेटी जो है वो हमको जो है फाइनल बॉस एज ए बॉस देखने को मिलेगी, बट वो एक्ट 7 की बात है. मेरा अभी एक्ट 6.2.5 क्लियर नहीं हुआ है,
तो या उसके बारे में बात ना करें तो ये अच्छा है। एंड देन मैं जो है मेरा सेकंड ट्राई करता हूँ, एंड ये एक्चुअली मेरा थर्ड ट्राई है। सेकंड ट्राई में लिटरली जबारी पैंथर ने मेरे को बहुत ही गंदी तरीके से डिफीट किया। मतलब लिटरली मैं पैरी करने जाऊँ वो हो नहीं रहा था, ये वो। एंड पैरी से याद आया, जैसे वो हंट वाला फेज एक्टिवेट हो जाता है ना, ये जो अभी आप देख रहे हो पर्पल फ्लावर वाला, तो उस टाइम पे पैसिव स्टन भी काम नहीं करेगा, तो वो बात का ध्यान रखना। मैं लिटरली एक दो बार क्लिप हो गया था सेकंड वाले ट्राई में, एंड लिटरली वो बताने लायक था नहीं वीडियो, क्योंकि मैं उस क्या कहते वीडियो में लिटरली 3 से 4 बार मैं जस्ट मर गया जाके अंदर जाके, तो लिटरली कुछ दिखाने के लिए था नहीं कि जिसे आप सीख सको या फिर कुछ ये कर सको। एंड ये जो अभी आप पर्पल येलो वाला देख रहे हो पैसिव नोड नहीं बफ था वो, तो वो क्या कहते हैं किल मॉन्गर के टाइप वाला बफ है। जैसे ही किल मॉन्गर के पास वो येलो वाला आता है तो वो एंड वो ब्लॉक पकड़ के खड़ा रहेगा, आप उसको मारने जाओगे तो वो पैसिवली अनस्टॉपेबल हो जाएगा, तो वो जस्ट ध्यान में रखना। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, एंड जिन लोगों को भी पता नहीं नेमोर को कैसे खेलना है तो अपना स्पेशली लॉन्च करना है, जस्ट जब आप जो है अपना नेक्स्ट फेज एंटर करने वाला हो 28-29 पर, एंड उसी टाइम पे आपको अपना पहला स्पेशलिटी लॉन्च करना है। एंड जैसे आपका ये इसके फेज का नाम क्या होता है जस्ट मैं यहाँ पर देख लूँ, ये आउटर इंपीरियस रेक्स जैसे ही ट्रिगर करता है तो आपको बंच ऑफ पावर एक ही साथ मिलती है, एंड वो आप जैसे ही हाई नंबर ऑफ इंपीरियस रेक्स पे आउटरेज पे हो तो काफ़ी ज़्यादा पावर मिलेगी। एंड उसी के साथ जो है मैक्स टू मैक्स आप 2 फ्यूरीज कलेक्ट कर पाओगे नेमोर की तरफ से, एंड आप देख ही रहे हो काफ़ी अच्छा खासा डैमेज है मैं कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जो है आपके स्पेशलिटी वो अनब्लॉकेबल हो जाएंगे, बट जैसे कि जबारी पैंथर पर नोड है क्रिटिकल रेसिस्टेंस वाला, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि क्रिट्स नॉर्मली होते नहीं है। एंड यहाँ पर कहीं पर तो मैं यहाँ पर पावर गेन उसके पास पता नहीं कहाँ इतनी खासी पावर गेन कहाँ से आई, आई गेस वो मेरे जो डीबफ्स है वो उसको क्लेंज कर रही थी एंड उसके बाद उसको पावर मिली। तो यार मैं पहले भी बताया कि वैसे भी इसको कुछ ज़्यादा ही एबिलिटी दे दी एज अ बॉस, पर जैसे ही हमको ये कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर खेलने को मिलेगी ना, तो मेरे को लग नहीं रहा है जितना इन लोग दिखा रहे इतना ज़्यादा वो काम आएगी या 1 या 2 मैचअप में काम आएगी, बट स्टिल मतलब बॉस के हिसाब से मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही है। मतलब लिटरली आपको डेक्सटेरिटी फेल तो ये पहली बार देखा है, मतलब आज तक एबिलिटी फेल देखा था, आपकी एबिलिटी काम ना करे, आपके पावर जो है पावर मीटर को लॉक कर दे, पावर ड्रेन कर दे, आपको लिटरली पावर ना भी दे, बट ये मतलब जो बेसिक एबिलिटी जैसे कि अगर सोचो पैरी फेल तो जो कि काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं कि स्टन इम्यून चैम्पियंस एंड ये वो, डेक्सटेरिटी फेल कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे हिसाब से। एंड ऐसा ना हो आगे वाले बॉसेस में तो ही काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो भी नए हो जो लिटरली जस्ट कैवेलियर में एंटर किए एंड इस पॉइंट पर वो देखना वो लिटरली थ्रो करने के लिए तैयार ही नहीं, मैं उसको कितना बेट करूँ, मैं उसको ब्लॉक अटैक पे हिट करूँ, अभी एक हिट और कर दूंगा तो वो लिटरली स्पेशल 3 पर पहुँचेगी, तो मैं सोचता हूँ कि छोड़ो जो भी हो अब तो या वो स्पेशल 3 लॉन्च करेगी या मैं अपनो उसको किल कर दूंगा। तो लकीली मैंने उसको किल कर दिया एंड फाइनली जो फाइट जो है वो ख़त्म हो जाती है। एंड या मतलब ये बॉस काफ़ी अनोइंग है, एंड जो भी रिसेंटली कैवेलियर में एंटर हुए उनके लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, अगर काफ़ी अच्छा खासा म्यूटेंट में रोस्टर ना हो आपको तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा मेरे हिसाब से। एंड या इतना सा था ये मेरा जबारी पैंथर का ब्रेकडाउन और मेरा लुक मेरा पर्सपेक्टिव कि कैसे डिफीट करना है कैसे नहीं। सो या आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।